Okay. So yesterday I was discussing what is specific kind of substance. We'll proceed from there. Only five students have come so far. Anyway, I'll briefly summarize. Specific kind of substance. Suppose there is a substance and we want to heat it so that temperature rises by 1 degree centigrade. Here, sir, we want 1 degree centigrade. But tell me one thing, अगर मास छोटी होगी और मास बड़ी होगी तो जहां पे मास ज्यादा होगी वहां पे हीट सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर. जहां पे मास थोड़ी होगी वहां पे कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा. तो मीन हीट सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. सपोज मुझे राइज ऑफ टेम्परेचर भी ज्यादा करना है, नॉट 1 डिग्री, आई वॉन्ट टू रेज इट बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आई हैव सप्लाई मोर हीट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज ऑफ टेम्परेचर. देयरफॉर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू राइज ऑफ टेम्परेचर. देयरफॉर क्यू इक्वल टू मास इनटू सम कांस्टेंट इनटू राइज ऑफ टेम्परेचर. दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय एस और समटाइम सी, इट्स कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस. सो नाउ आई वांट टू डिफाइन दिस. नाउ आई वांट टू डिफाइन, टेल मी इफ एम इज 1, इसको मिटा देता हूं पहले मैं. If m equal to 1 and delta t equal to 1 degree centigrade, then what will be s equal to? Q. Therefore, specific heat of a substance is defined as amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. Rise of temperature is same in degree centigrade as well as Kelvin. क्योंकि 27 से 28 करो मतलब 300 से 301 करो, तो डिफरेंस इज 28 माइनस 27 1, 301 माइनस 300 इज 1. तो राइज ऑफ टेम्परेचर में चेंज मत करना. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन व्हाई डू यू डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट्स In case of gases. Now remember one thing. From today onwards, I have decided one thing. Students say, suppose question pucha, usne answer nahi diya. Whatever problem, mic problem, mute problem, could be problem, I am going to remove that student from the group straight. If you want to remain in group and study, and I will not send any recording. Recording band aise. अगर आपको ग्रुप में रहना है मेरे बात का आंसर देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रिशा. प्रिशा मैं रिमूव कर दूंगा तुमको भी अगर तुमने नहीं बोला था. तुम अपने मन मर्जी से जब मन में आए तभी बोलने का, जब मन में नहीं आएगा नहीं बोलने का. आई विल नॉट लाइक दैट. द मोमेंट स्टूडेंट इज नॉट आंसरिंग आई एम गोइंग टू रिमूव. आई विल अज्यूम दैट दैट स्टूडेंट इज नॉट इन द ग्रुप, वो कुछ और कर रहा है. बी केयरफुल. ओके नाउ let me start. Oh mystery, which chapter we are doing? I have removed Om Mystery. This way, this is the way I am going to follow. If you want to remain in group, talk to me. Answer me. Prisha, which chapter we are doing? Name of the chapter? Prisha, are you listening or no? Sir, your voice is cracking. Voice is cracking? Bolna fir kya chapter hai? इतना बोलने को आ रहा है, वॉइस इज क्रैकिंग. चैप्टर का नाम बता. आई विल नॉट पुट एनी रिकॉर्डिंग. विच चैप्टर वी आर डूइंग प्रिशा? Okay, I removed.
I have removed Prisha also. Okay. Let us understand now. Anybody will not answer, I'm not going to remain keep that student in the group. You don't want to study only. You are making fun of the teacher. Okay. Now, you know, there is a question, why we have to define two specific heats. In case of gases. देखो गैस में दो दो स्पेसिफिक हीट क्यों डिफाइन करनी पड़ती है. देखो सबसे पहले आप है ना ये राज समझो कि सब्सटेंस को तो हम हीट कर सकते हैं. सपोज दिस सब्सटेंस, सपोज दिस इज अ सब्सटेंस आई वांट टू हीट, तो डायरेक्टली हम लोग हीट कर देते हैं. धड़ 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 इसका हीट लेवल चालू, टेम्परेचर बढ़ना चालू. सब्सटेंस के साथ में ये होता है. सब्सटेंस के साथ में ये होता है. बट व्हेन अ गैस इज हीटेड, सपोज मुझे ऑक्सीजन हीट करनी है, तो कैसे ऑक्सीजन आ जा एंड स्टार्ट हीटिंग? नो, वी कांट डू दैट. ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है हीट करने के लिए? वी हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर गैस इन अ कंटेनर. गैस को कंटेनर में लेना पड़ता है, व्हिच इज फिटेड विद अ पिस्टन, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट हीटिंग द गैस, हीट द कंटेनर. और कंटेनर को हीट करने में गैस हीट होती है. डायरेक्टली सब्सटेंस को हीट करते हैं, वैसे गैस को हीट नहीं कर सकते. Remember, substance heated, so entire heat directly goes to the substance and it starts increasing the temperature. You know, increasing temperature means there is an increase in internal energy. Molecule ki internal energy badhti jati hai. Pura ka pura heat internal energy ko badhane mein madad karti hai. Lekin yahan pe kya hota hai? Yahan pe not only temperature of the gas increases, there is a change in pressure, change in volume. Okay, sab badalta hai. Change in pressure, change in volume, change in temperature. All three changes takes place simultaneously. All the three changes takes place simultaneously. And therefore, you know, what happens, exact effect of heat on a gas cannot be studied conveniently. If you allow all three to be changing at the same time, kya? Pressure change ho raha hai, volume change ho rahi hai, temperature change ho raha hai. So, aapka heat ne kya kya kiya? That we cannot understand. And therefore, we have to define two specific heats. Specific heat of gas at constant pressure, specific heat of gas at constant volume. Do tarah ki, ek to specific heat at constant pressure and specific heat at constant volume. Ek baar fir se main bolta hun. Remember one thing, those who have joined, agar meri baat ka answer nahi diya, straight away I'm going to remove you from the group. I have removed two students, Om Mistry and Prisha Shetty. Even if there are last mein teen student bachenge, I am happy with to those three. You cannot just remain idle in the class and keep teacher shouting, "Arey, please bolo, please bolo, please bolo." Aisa thodi hota hai. Either you are not in the class or you are not interested. You are not interested, don't come to the class. Okay, so मैंने एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूं कि व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, एंटायर हीट सप्लाई इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी. बट व्हेन अ गैस इज हीटेड, नॉट ओनली इट्स टेम्परेचर चेंजेस बट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑल्सो चेंज एट द सेम टाइम, एंड देयरफॉर एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ गैस कैनॉट बी स्टडीड कन्वीनियंटली इफ वी allow all changes to take place simultaneously. Therefore, what we have to do is either we keep pressure constant or volume constant. Jab pressure constant hota hai, to usko bolte hain specific heat of gas at constant pressure. Jab volume constant hota hai, to hum log bolte hain specific heat of a gas at constant volume. Is that clear? Let me ask, Aska, which two specific heats we are studying? Aska? Aska,
Okay. I am not going to consider any student who is just keeping quiet. Which two specific issues we are studying? Specific heat of gas at constant and which has a volume. Constant and constant pressure and then constant volume, SSO. Okay. If Afif can answer, why others cannot answer? They want to remain idle. All bahane baji. Okay. If at all, this is my final warning. If you want to remain, answer me. Wrong answer doge chalega mere ko. Okay. Konen name of the chapter bata? Konen Qureshi, which chapter we are doing? Konen bolte nikal do mere ko so jaungi main jisse jaldi chal main nikal deta hu kinetic theory of gases mere ko answer fast chahiye dhyan rakhna neend mein se jaag ke nahi bolne ka seedha fatafat answer dene ka okay now listen, this is one more question. Why CP is greater than CV? There is a question, why CP is greater than CV? Let us understand. Main aisa hi puchunga, simple chapter ka naam kya hai? Hussain Dagina wala chapter ka naam kya hai? So, energy or gas ka radiation. That is right. आलोक चैप्टर का नाम क्या है सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हाँ सर बोल रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन दैट्स राइट ओके व्हाई सीपी सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं हाउ टू हीट अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन हाउ टू हीट अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये डज अंडरस्टैंड सपोज ये है एक कंटेनर ये है उसका पिस्टन यानी ढक्कन इसके अंदर है गैस ऑलराइट इसे हम हीट करते हैं आइसन नीचे इसको हीट करते हैं रिमेम्बर वन थिंग अगर जनरली क्या होता है जब हीट करते हैं ना तो ये बढ़ता है ये ऊपर जाता है पिस्टन को झक झक के मारते मॉलिक्यूल तो वो भी ऊपर जाता है ये सब होता है बट If you keep piston under lock condition, इसको lock कर दिया, तो इसको बोलते हैं heating a gas at constant volume. तो यहाँ पे क्या-क्या काम करता है? CV काम करता है. Remember जब हम लोग heat करते constant volume पे, तो entire heat supply is increasing the temperature. Increasing the temperature means increasing the internal energy. पूरी हीट सप्लाई इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी और पिस्टन मूव नहीं होता मतलब वर्क नहीं होता बट व्हेन यू हीट अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या होता है यहाँ पे जो लॉक था उसको हटा देते हम लोग अब हम इसको हीट करते तो क्या होता मालूम है इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तो होता बट साथ में वर्क भी होता साथ में वर्क भी होता ये धीरे धीरे ऊपर ये धक्का पिस्टन धड़ धड़ धीरे धीरे ऊपर जाता तो यहाँ पे वर्क भी होता तो यहाँ पे हीट सप्लाई को दो काम करने पड़ते हैं यहाँ पे हीट सप्लाई को करना पड़ता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हीट सप्लाई को करना पड़ता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑल्सो टू डू एक्सटर्नल वर्क पिस्टन पे जाना मतलब वर्क होता है अगर मुझे एक बात बताओ सपोज दोनों के अंदर मैंने एक एक किलो सपोज दोनों को मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करना है यहाँ पे हीट को एक ही काम करना पड़ता है सीधा हीट टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पे दोनों काम क्या कौन से दो काम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड आल्सो डू एक्सटर्नल वर्क तो मुझे बताओ कहाँ पे मुझे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी प्रेशर के टाइम पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या वॉल्यूम के टाइम पे भार्गेश तुम बोलो वॉल्यूम के टाइम पे
वॉल्यूम के टाइम पे कम सप्लाई और प्रेशर के टाइम पे ज्यादा सप्लाई, किधर ज्यादा किधर सप्लाई करनी पड़ेगी हीट टू हैव द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर? सर ज्यादा वॉल्यूम के टाइम पे करना पड़ेगा। वेरी बैड आंसर बेटा, एक बात बता, वॉल्यूम के टाइम पे सिर्फ सीधा से सीधा टेम्परेचर ही बढ़ जाता है, तो थोड़ी सी हीट भी सप्लाई करेंगे तो भी टेम्परेचर बढ़े, क्योंकि और दूसरा काम नहीं करना पड़ता। प्रेशर के टाइम पे जब हीट सप्लाई करते पड़ते तो इंक्रीज इन टेम्परेचर भी करना पड़ता, वर्क भी करना पड़ता, दोनों दोनों काम करने पड़ते, तो किधर हमको ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी हीट टू हैव द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर? सर प्रेशर, प्रेशर के टाइम पे ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर वी कैन से हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज मोर देन हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और देयरफॉर वी कैन से MCP dT is greater than MCV dT. dT बोलो डेल्टा टी बोलो बहुत सारे सेम। सपोज m इज 1 एंड dT इज 1, मतलब मास भी यूनिट मास और राइज ऑफ टेम्परेचर की 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 केल्विन, देयरफॉर 1 into CP into 1 is greater than 1 into CV into 1, and therefore we can see CP is greater than CV. मेरा आंसर आपके सामने। Therefore, specific heat at constant pressure is more than specific heat at constant volume. Is that clear? Conan, कौन सी specific heat ज्यादा होती है, pressure की या volume की? Conan Qureshi? अच्छा नहीं बोल रहे। Pressure की। तुरंत आंसर दे, अभी ज्यादा टाइम लगाएगा मैं सीधा निकाल दूंगा। ओके सो देयर यू आर, देयरफॉर ये आंसर मैंने दिया है। जीतू विल यू रीड आउट दिस आंसर प्लीज, व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन, व्हाई इन केस ऑफ गैसेस वी हैव टू डू, तो हो गया व्हाई सीपी ग्रेटर देन सीवी, देखो लाल में नीचे लिखा है। क्या लिखा है जरा देखो जीतू। नोट में ना, नोट में नहीं, अलग से पूरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 16 है ऊपर देखो, 16 मैंने दिया है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे हैंड रिटन है, हैंड रिटन वाई सीपी ग्रेटर देन सीवी। नहीं मिला उष्णा आपको? मिला उष्णा? मिला यस सर। बोल, when a gas is heated at a constant volume, entire heat supplied is used to increase the internal energy and no external work is done. And yeah, so when so gas is therefore dqv, wo bolo na, therefore dqv, therefore dqv equal to de equal to m into cv dt. And so when the gas is heated at constant pressure, the part of heat supplied is used to increase the internal energy and remaining part is used to do external work. Therefore, amount of heat supplied at constant pressure. इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा, therefore dQP equal to dE plus dW. इतना आपको लिखना पड़ेगा, dQP equal to dE plus dW. And which is equal to m into cp into dt. ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, दो के बाद में जो छोटी सी जगह, दो तीन के बीच में जो जगह है ना, उसमें आपको लिखना होगा इतना। ओके नंबर थ्री, therefore the amount of heat supplied at constant pressure d or dqp is more than heat supplied to have the same rise of temperature at constant volume dqv is greater than dqv, but dqp is greater than dqv, and so mcp dt is greater than mcv dt. If m is equal to, if m is equal to 1 and dt is 1, then cp is greater than cv. That is right. Abhi dekho ek maine isse table diya hai aapko, can you see this table maine bheja hai? Yes, फोटो कल ओके मैं आपको बताता हूँ इसको फर्दर है ना, इसको डिवाइड किया है
as molar principal specific heat and molar and principal specific heat. Molar and principal. आप बोलेंगे सर क्या डिफरेंस क्या है? खाली एक ही डिफरेंस है, इसमें आएगा यूनिट मोल और इसमें आएगा यूनिट पास. इसमें आएगा यूनिट मोल और इसमें आएगा यूनिट पास. एक होएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और एक होएगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे. इसका सिंबल बड़ा सीपी बड़ा सी, इसका सिंबल छोटा सीपी छोटा सी. मैं जनरली ना बड़ा सीपी छोटा सीपी में कंफ्यूज होता था, तो मैं पहले सी डैश पी और सीपी, सी डैश पी और सीपी ऐसे करता था, लेकिन बुक में ऐसा दिया है बड़ा सीपी छोटा सीपी छोटा सी. और रिलेशन क्या मतलब है दोनों के बीच में, बड़ा सीपी इज मॉलिक्यूलर वेट इंटू छोटा सीपी, बड़ा सीपी इज मॉलिक्यूलर वेट इंटू छोटा सीपी. एंड रिमेंबर देयर इज अ रेशियो गामा. Anybody remembers gamma क्या है? Gamma एक constant है. Anyone knows? इसको बोलते हैं adiabatic constant. क्या बोलते हैं इसको? Adiabatic constant. And that is Cp by Cv. और छोटा Cp by छोटा Cv. अब आप बोलेंगे सर ये जरा इसका कुछ बताओ ना मोलर. मुझे डिफाइन करना ये, इसका नाम क्या है? मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इसका नाम है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इधर मेन इज मोल. तो इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ अ गैस सब्सटेंस नहीं बल्कि गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कॉन्स्टेंट. जैसे ये इसका नाम क्या है? एनीबडी कैन टेल मी मुर्तजा इसका नाम क्या है? प्रिशा शेट्टी, प्रिशा शेट्टी यू हैव कम अगेन, बट हियर लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू आंसर टू रिमेन इन द ग्रुप. यू जस्ट कैन नॉट कीप क्वाइट एंड लेट द टीचर प्लीड इन फ्रंट ऑफ यू. चैप्टर का नाम क्या है प्रिशा जो हम लोग कर रहे हैं? काइनेटिक स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एंड रिएक्शन. काइनेटिक थ्योरी. मुझे रॉन्ग आंसर दोगे ना तो भी चलेगा. मुझे ऐसा बोलो कि मेरे को याद नहीं है चैप्टर का नाम वो, लेकिन आंसर देना कंपलसरी है इफ यू वांट टू रिमेन. ओके सो एडियाबेटिक कांस्टेंट सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी. हाँ इसका नाम क्या मालूम है? इसका नाम है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब इसको डिफाइन कर रहे हैं. इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, क्या लिखेंगे? यूनिट मास ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टेंट. तो वो जो मैंने टेबल दिया ना दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, उसको राइट करना वापस से. तो ये बिल्कुल भूलना नहीं, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद हम लोग करेंगे एक रिलेशन है. ये मुझे क्यों कर रहा है, ये 11th स्टैंडर्ड मैंने किया था, मैंने कल नोट किया 11th स्टैंडर्ड की बुक में सब था, सब मैंने किया हुआ है, लेकिन तुम लोग सब भूल गए. Now onwards, no recordings will be sent. No recordings will be sent. You have to answer in the class. You have to give attention. Every one of you, I have started this trend of removing the student who are not answering. Now, derive Mayer's relation. In this Mayer's relation, we have to prove that बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी इक्वल टू आर और छोटा सीपी माइनस छोटा सीवी इज आर बाय एम जीरो. ये हमें दुनिया को प्रूव करके दिखाना है. दिस रिलेशन इज विच रिलेशन? मेयर्स रिलेशन. मेयर्स रिलेशन
विधि विच रिलेशन वी आर टॉकिंग ऑफ विधि विधि शायद है कि नहीं है आई डोंट थिंक सो सी मेयर्स रिलेशन दैट्स राइट ओके नाउ ये हमें प्रूव करना है बहुत इजी है नाउ इसमें क्या करते हैं हम लोग को तीन डायग्राम बनाने डायग्राम नंबर वन डायग्राम नंबर टू सेम कंटेनर बनाना बड़े छोटे मत बनाना डायग्राम नंबर थ्री ऑल राइट यहां से यहां होगा फर्स्ट स्टेप यहां से यहां होगा सेकेंड स्टेप ये हो गया यहाँ पे कंटेनर बनाओ कंटेनर मतलब पिस्टन बनाओ यहाँ पे डॉटेड पिस्टन बनाओ थोड़ा ऊपर भी धक्का मारो इसको बाय डिस्टेंस डीएच प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये थ्री बोल रहे यहाँ पे हम लोग हीट को गैस को हीट कर रहे हैं ये अगर ये यहाँ पे बंद किया इसका मतलब क्या एनीबडी कैन टेल मी व्हाट आई हैव डन इधर लॉकिंग है मतलब क्या एनीवन हु कैन से इसका लॉक करने का मतलब क्या कांस्टेंट वॉल्यूम आई एम हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट डिड यू से सो द पिस्टन वोंट राइज यस अ कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मींस वी आर हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी आर हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑल राइट क्योंकि जब पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा नीचे नहीं आएगा मतलब वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट बोल रहे यहाँ पे सीवी विल कम इन द पिक्चर एंड यहाँ पे क्या होगा इधर पी प्लस डीपी वॉल्यूम टी प्लस डीवी यहाँ पे प्रेशर विल रिमेन सेम वी प्लस डीवी टी प्लस डीवी यहाँ पे भी हीट कर रहे हैं ये इसका ये हटा दिया लॉक हटा दिया मतलब व्हाट इज हैपनिंग नाउ वी आर हीटिंग द गैस एट कांस्टेंट pressure all right so let us start consider unit mole of gas unit mole yani hum log bada cv ki baat karenge all right in a container let p v t be the initial pressure volume and temperature first step let the gas be heated at kya likho first step mein फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूं मुर्तजा व्हाट शुड आई राइट इन द फर्स्ट स्टेप मुर्तजा यस सर व्हाट शुड आई राइट इन द फर्स्ट स्टेप आई हैव लॉक्ड द पिस्टन आई एम हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट्स राइट देखो मैं बुला रहा हूं समझो किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो मेरे को ऐसा भी बोल दो सर मेरे को नहीं आ रहा है आई विल नॉट रिमूव यू बट जस्ट कीपिंग क्वाइट एंड एंजॉयिंग Your teacher being pleading कि मेरे को बता 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 that I will not like नहीं आता है मेरे को बोलो simply कि नहीं आता है you will not be removed but just keeping quiet and enjoying है बोलने दे इसको बोलने दे कितना बोलेगा last में किसी दूसरे को पूछेगा बाद में okay so I am heating at constant volume alright let the temperature rise by dT little temperature rise by heat supply acha heat supply mein I should write chota v aur chota p yahan pe kya likhu chota v ya chota p alok yes sir what should I write chota v ya chota p sir repeat karo sir kya bole are yahan pe we are heating at constant volume or constant pressure in this case Sir, छोटा v. That is right. dQv, छोटा v is nothing but one into बड़ा Cp into rise of temperature. Therefore, dQv equal to one into one को हटा देते हैं बार बार क्यों लिखते हैं Cp into dT. Equation number one. Now second step. Starting from the same initial condition, मतलब PVT ये तो ऑपर इधर जाने का फिर हिट करते हैं। Starting from the same initial condition, बहुत important line है ये. If the gas is heated at constant pressure, then this will rise. What is the heat supply?
उष्ण फॉर्मूला बोल हीट सप्लाई का सिमिलर टू दिस व्हाट शुड आई राइट डीक्यूपी वी आएगा इधर क्या लिखूं बताओ सर डीक्यूवी इक्वल डीई 1 इनटू यहां पे डीक्यूवी मास इनटू स्पेसिफिक राइज ऑफ टेंपरेचर मास इनटू स्पेसिफिक हीट क्या लिखूं सर सीवी डीटी सीपी क्योंकि हीट एट कॉन्सेंट्रेशन नाम ना यस सर एंड देयरफॉर डीक्यूपी इक्वल टू सीपी डीटी इक्वेशन नंबर 2 बट वी नो डीक्यूपी इक्वल टू डी प्लस डीडब्ल्यू अभी अभी हमने देखा कि जब प्रेशर पे हीट करते हैं तो दो दो काम करने पड़ते कौन से दो काम Who can tell me that? Do come Hussain Dagina. Which two work there? So, we have to do the work also. We have to do work also. That is right. In addition to increase in internal energy. D ke badle. That is a bad, but DQV is DQ. But heat supply to constant volume is increase in internal energy. Therefore, dP equal to. So this is nothing but CV dT plus dW. Equation number 3. Work. You know what is work equal to? Basic formula kya work ka 10 standards hai. Aska to bahar nikala hua hai. Achha. Jo nahi bolta usko puchta hu. Murtija bhi bolne laga hai. Okay. वैष्णवी वर्क का फॉर्मूला क्या है वर्क इज व्हाट इनटू व्हाट वर्क इज 10 स्टैंडर्ड्स वैष्णवी सर फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज राइट वी नो वर्क इक्वल टू फोर्स बट प्रेशर इज टेल मी व्हाट अपॉन व्हाट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया तो फोर्स विल बी व्हाट प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर व्हाट टू से Let A be the area of piston. Let A be the area of piston. Piston is a circle of point B. It's the area A. So A into dx will give me what? Anyone? Area into distance. Can I say that will give me increase in volume? dW is P into dV. Shayad chemistry mein aapne kiya hai derivation. dW is P dV. Maybe for one mole. What is the ideal gas equation? PV equal to, kya likho? For one mole, PV equal to RT. NRT hota hai na, N ke badle 1. Therefore, PdV equal to RdV. So, ki dekho, P constant hai, V change by dV, R to universal gas constant hai, T by dV. So, PdV equal to RT equation 4. Substitute 4 in 3. And therefore, CP dT equal to CV dT plus R dT. dT gets cancelled. And therefore, CP minus CV equal to R. But CP is what? CP is MO times chota CP minus MO times chota CV equal to R. Therefore, CP minus CV, chota CP is R by MO. Where MO is kya batao? MO kya hai? Anyone who can tell me? MO is molecular weight. MO is what? Molecular weight. Ek bar fir se before the time gets over, main ek bar fir se isko pura repeat kar deta hu kyunki hamare paas 4 minute to hain. Ekdam aaram se repeat ho gaya. Question is derive Mayer's relation. That is, we have to prove CP minus CV equal to R. Bada CP. Aur chota CP minus chota CV is R by MO. Bada CP aur chota CP ka fark kya hai? Bhargesh, bada CP aur chota CP? So, bada CP constant pressure hai. Aur, nahi, sorry. So, molar. Bada CP molar specific. Aur chota CP hai na principal specific. Principal, yeah.
हमने एक यूनिट बोल लिया है, बड़ा सीवी की बात करेंगे इन अ कंटेनर व्हिच पिस्टन इज क्रॉस सेक्शन एरिया ए प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड पीवी. सबसे पहले हमने पिस्टन को फिक्स किया so that it is unable to move and gas will be heated at constant volume. Then the temperature rise by dT. Therefore, heat supply is mass into specificity to rise of temperature. Mass is 1 unit mole. Specificity is CV, क्योंकि constant volume पे heat क्या इसलिए CV और molar ratio बड़ा CV dT. But we know heat supply to constant volume is used to increase the internal energy. Therefore, dE equals dQV equals CV dT. Equation number one. Because the entire heat supply to constant volume is used to increase the internal energy. Now, starting from the same initial condition, let the gas be heated at constant pressure. Bada CP lunga ya bada CV lunga? Main bada CP lunga ya bada CV? Okay, kisi ko puchho. Bada ya chota? बड़ा क्योंकि यूनिट मोल ही है. ओके, हीट सप्लाई इक्वल टू 1 इनटू बड़ा सीपी इनटू डीटी. देयरफॉर डीक्यूपी सीपी डीटी इक्वेशन नंबर 2. बट वी नो हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज फंक्शंस. तो डीक्यूपी के बदले मैंने लिखा सीपी डीटी, डीई के बदले लिखा मैंने सीपी डीटी प्लस डीडब्ल्यू. नाउ टू फाइंड डीडब्ल्यू, व्हाट इज फॉर वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट व्हाट इज फोर्स pressure into area, but area into displacement is increasing volume. dW is PdV. Now we know for one mole, kyunki unit mole hai, PV equal to RT. N mole ke liye PV equal to nRT, but n is one. Therefore PdV equal to RdT, kyunki volume change ho raha hai dV se, temperature change ho raha hai dT se, P to constant hai. This we substitute for in 3. Therefore, क्या आएगा? CP dT equal CV dT plus RdT. dT, dT, dT gets cancelled. And therefore, CP minus CV equal to capital R. But CP is MO times CP. CV is MO times CV equal to R. Therefore, CP minus CV is R by MO. MO क्या बताओ इसमें? Anyone? Let me ask. Hussain Dagi ना, MO क्या है? The molecular weight. That's right. ऐसा answer चाहिए मेरे को. पट करके जैसे बोलो, नहीं आता बोलो सर, नहीं आता मेरे को. If you want to remain in the group, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जरा भी जो नहीं बोलेगा क्लास के अंदर बैठा होगा चुपचाप. MO is molecular weight, I loved it. All right? इसको कभी कभी छोटा आर से भी denote करते हैं. Therefore, CP minus CV equal to छोटा आर, where छोटा आर is gas constant for unit mass, not universal gas constant. Particular gas whose molecular weight is MO. इसलिए gas constant per unit mass. अभी हमारे पास समय की काफी कमी है. मैं चाहता हूं कि एक बार सब लोग देख लो इसको, एक बार देख लो वहां पे मैंने कल भेजा इसको. यू नो अगर बुक में से पढ़ेंगे तो मजा आएगा. इसको लिखो अपने हाथ से. उष्णा, उष्णा आर यू देयर? यस सर. आप लिख रही हैं बराबर, नोट्स बना रही हैं ब्यूटीफुली कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. हाँ तो मेरे को जरा सारे पेपर भेजना, इनफैक्ट ग्रुप में भेजो, सबको पता चलेगा कैसे बनाना है नोट्स. और मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है कि तुम बहुत अच्छा कर रही होगी. Will you do that today? Evening, sir, 6 o'clock तक. हाँ 6 o'clock तक चलेगा. Everybody should follow what Ushna method. Ushna method of preparing notes. Ushna, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया इसलिए जरा अच्छा करना एकदम. एक एक चीजों में बता रहा हूँ उसको सिस्टमेटिकली एक डालने का. प्रॉब्लम सॉल्व, वो प्रॉब्लम की जगह पे प्रॉब्लम आएंगे. ये जैसे मैंने मेयर्स रिलेशन ये नोट दिया है, यू हैव टू राइट इन योर ओन हैंडराइटिंग, डायग्राम बनाओ, सब करो. एवरीबॉडी हैज टू डू कंपलसरीली.